नमस्कार दोस्तों, जो है मेरे पास सैमसंग गलेक्सी S20 FE। जी देखिए, वॉल पेपर से आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे पास S20 FE है। देखिए, अब दोस्तों मैं आपके सामने इस वीडियो में इसके बैक कवर दिखाऊंगा, जो दोस्तों काफ़ी अच्छे लगे मुझे। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि बैक कवर किस काफ़ी तरीके के आते हैं, बट मैं आपको वही बैक कवर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो दोस्तों काफ़ी कम्फर्टेबल हैं और आपके मोबाइल को दोस्तों ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको यूज करने में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो। दोस्तों पहले बैक कवर की बात करता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए, जी है दोस्तों लेदर का बैक कवर, जो लेदर टाइप से आता है और ये दोस्तों काफ़ी मुलायम होता है। देखिए इसमें दोस्तों ये दो तरह डिजाइन दी गई हैं, एक साइड से दोस्तों इस तरह के टेक्सचर दिया जाए और एक साइड से दोस्तों लेदर टाइप दिया जाए, और बीच में दोस्तों ये एक चेन टाइप से दी गई है जो देखने दोस्तों काफ़ी अच्छी लगती है। और दोस्तों ये कैमरे का दोस्तों प्रोटेक्शन दी गई है पूरी, जिससे दोस्तों आपके कैमरे एकदम सेफ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको इस पर लगा के दिखाता हूँ, तब दोस्तों आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों जो पोर्ट्स होते हैं वो एकदम अच्छी तरीके से कटे हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पे स्पीकर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ स्पीकर कहाँ है। देखिए यहाँ पे स्पीकर होता है फ़ोन का, ये देखो दोस्तों स्पीकर यहाँ पे ऊपर दे दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर साइड में दिया गया है, क्योंकि इससे आपके फ़ोन में कोई मिट्टी वगैरह ना उसे और आवाज़ यहाँ से क्लियर आती है। बटन दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फिट हैं, काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं बटन भी। और कैमरा दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सेफ है, इसके अंदर बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका ये बम्प पूरा खुला हुआ हो। अच्छी तरीके से दोस्तों इसमें फिटिंग दी गई है। दोस्तों जितने भी मैं जो भी कवर आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, उन सभी के खरीदने के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कवर दोस्तों ये वाला, ये दोस्तों ट्रांसपेरेंट बैक कवर, दोस्तों इसको दिखाता हूँ। इसको मैंने अभी यूज नहीं किया है, आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो कवर है, इसमें दोस्तों आपके मोबाइल का पूरा बैक पैनल क्लियर दिखता है। काफ़ी लोगों को इस तरह के कवर पसंद आते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये है वो बैक कवर। इसमें दोस्तों कैमरे का लेआउट होता है, पूरा कटा हुआ है, बट ये काफ़ी जगह से थोड़ा मोटा है, तो आपका कैमरा दोस्तों बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें दोस्तों कैमरा बम निकला हुआ है, तो इस कवर के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, ये देखो ये कवर इस पर अच्छी तरह से फिट हो चुका है। और देखिए कैमरे का बम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है, क्योंकि कवर दोस्तों ये जगह थोड़ा उठा हुआ सा है, कैमरा इसके अंदर अंदर की साइड में ही है, बाहर नहीं है बिल्कुल भी। और दोस्तों पोर्ट्स की बात करूं तो बटन भी काफ़ी अच्छी तरह दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। ये देखिए अब आवाज़ सुन रहे हो टिक टिक की। और दोस्तों नीचे इसके पोर्ट्स होते हैं, वो भी अच्छी तरह से कट किए गए हैं। इसमें दोस्तों स्पीकर का भी कट दिया गया है, और दोस्तों ये माइक वगैरह का भी दिया गया है। और दोस्तों इसे कट काफ़ी अच्छे हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इस कवर को भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी कवर काफ़ी अच्छा है। पर दोस्तों इसमें एक ही दिक्कत है कि आपका दोस्तों कैमरा मॉड्यूल है वो दोस्तों पूरा खुला हुआ होता है, आपका कैमरा इसमें सेफ नहीं है ज़्यादा। अगर आपका फ़ोन बाई चांस गिर जाता है तो इसको दोस्तों टूटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा कवर नहीं है और स्क्रेच भी दोस्तों इसके ऊपर आ सकते हैं। बट दोस्तों काफ़ी लोगों को इस तरह के कवर अच्छे लगते हैं। अब दोस्तों मैं एक और कवर दिखाता हूँ जो दोस्तों इस फ़ोन का नहीं है, बट आप इस तरह का कवर इसके लिए ले सकते हो। दोस्तों ये देखिए, ये है मेरे पास Redmi Note 8 Pro का स्मोक पैक कवर। दोस्तों स्मोक जो कवर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बट दोस्तों मैंने इसको स्मोक कवर को इस फ़ोन का इसके लिए नहीं ख़रीदा, क्योंकि दोस्तों ये जो कवर होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। अगर आपने एक बार इसमें अपना फ़ोन लगा दिया तो फिर उसे रिमूव करते टाइम काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है निकालते टाइम, जिसमें दोस्तों बहुत टाइम लगता है, काफ़ी हार्ड होता है। तो इसलिए मैंने ये नया परचेस नहीं किया इस फ़ोन का। बट अगर आपको स्मोक कवर चाहिए तो वो इस तरीके का आता है, यही मैंने आपको इसलिए दिखा दिया है। मेरे पास कई फ़ोन के स्मोक कवर हैं, बट मैंने S20 FE का नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया स्मोक कवर। मुझे इस तरह के कवर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो दोस्तों काफ़ी मुलायम होते हैं इस तरीके से ऐसे, जिससे दोस्तों आप अपने फ़ोन को इसमें अच्छे से रिमूव कर सकते हो। दोस्तों ये तीनों बैक कवर हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इसमें बेटर लगा दोस्तों ये वाला, ये लेदर टाइप वाला, जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी प्रीमियम भी लगता है, और इसमें दोस्तों कैमरा जो होता है वो सेफ भी रहता है।
तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा कवर है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा। इन सभी खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों प्राइस की बात करूँ तो ये जो दोस्तों ट्रांसपेरेंट कवर है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 100 रुपये के अंडर। और वहीं अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो ये मिलेगा दोस्तों आपको 130 रुपये के समथिंग। और दोस्तों जो लेदर टाइप वाले की बात करता हूँ मैं, तो मार्केट में दोस्तों जो आपको अगर मिलेगा तो ऐसे मिलेगा दोस्तों करीब 300 रुपये के आसपास। और ऑनलाइन दोस्तों इसकी प्राइस शायद दोस्तों समथिंग 200 कुछ रुपये है, 250 रुपये के आसपास है इसकी प्राइस ऑनलाइन। और दोस्तों इस मुक कवर की आपको तो पता ही होगा कि ये दोस्तों 100 रुपये में आपको मिल जाते हैं, चाहे दोस्तों आप इसे ऑफलाइन खरीदो या ऑनलाइन। और दोस्तों ऑनलाइन कभी कभी इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ये अगर आपको कवर चाहिए इस मुक कवर S20 का, तो आप इसे मार्केट से ही खरीद लें, जहाँ दोस्तों आपको जो 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं सारी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।